हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल चौहान और आज मैं बात करूंगा वन पीस फिल्म रेड के ऊपर। और आज मैं आप सभी के ज्यादातर डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि क्या वन पीस फिल्म रेड को देख सकते हो, क्या आपको ये देखनी चाहिए और क्यों आपको ये नहीं देखनी चाहिए। तो मैं आपको बिल्कुल सीधे बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने आज तक वन पीस बिल्कुल नहीं देखा है, उन्होंने सुना भी नहीं है, वो वन पीस के बारे में कुछ नहीं जानते, तो क्या उन लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए? और मेरा डायरेक्ट आंसर है नहीं, उन लोगों को ये मूवी नहीं देखनी चाहिए। देखो, ये मूवी एक तरह का फैन इवेंट या एक फैन सर्विस है, तो आप लोगों के लिए मूवी है ही नहीं। ये मूवी की जो ऑडियंस है वो लोग हैं जो वन पीस को देख रहे हैं सालों से या महीनों से, या वो वन पीस के ऑलरेडी फैन बन चुके हैं। तो उन लोगों के लिए जिन्होंने आज तक वन पीस नहीं देखा, तो मूवी को छोड़ दो, जाने दो, निकलने दो, इतनी भी कोई खास नहीं है। आपको पहले वन पीस देखना है आराम से, वन पीस ही असली माल है। तो हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, वन पीस की कोई भी समरी मत सुनना, स्टोरी मत सुनना, वन पीस उस तरह का एनिमे नहीं है। आप एक मूवी देखने के चक्कर में अपना सारा मजा बर्बाद कर दोगे। वन पीस एक बहुत तगड़ा माल है, इसका लेवल, इसकी क्वालिटी एक सबसे अलग है। तो वन पीस का अपना एक्सपीरियंस बर्बाद मत करना, इसलिए एक मूवी के लिए कोई भी किसी तरह का कैचअप या समरी मत देखना। तो वन पीस फिल्म रेड को देखने के लिए आप लोगों को कम से कम वन पीस के 500 एपिसोड्स को देखना पड़ेगा। अगर आपने 500 भाग देख रखे हैं तो आप जाइए वन पीस फिल्म रेड को देखिए, एंजॉय कीजिए, मजे कीजिए। आपको बस एक स्पॉइलर मिलेगा वन पीस फिल्म रेड में, जो कि काफी बड़ा भी है पर छोटा भी है, वो लूफी की पावर से जुड़ा है। और आप वन पीस का 1029वां और 1030वां भाग देख सकते हैं, थोड़ा बिल्डअप हो जाएगा मूवी के लिए। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। लाइक सब्सक्राइब कर दो।